केस का फैसला हो जाएगा, लेकिन एक चीज जो सामने आई है वो ये है कि एफआईआर जिस दरख्वास्त की बुनियाद पे दायर की गई है उसको तब्दील किया गया है। पहले एक और दरख्वास्त दी गई और फिर तब्दील करके दूसरी दरख्वास्त दी गई। उस पहले की दरख्वास्त में धमकी देने का इल्ज़ाम नहीं था और दूसरी दरख्वास्त में जेलसाजी करते हुए ये इल्ज़ाम डाला गया, तो लिहाजा इस हवाले से कानूनी कार्रवाई मैं करूँगा। दूसरा, मैंने आज नोटिस जारी किए हैं तीन सहाफ़ी हजरात को जो अफनान के साथ नाखुशगवार वाक़े पर उन्होंने अपनी एक मैराथन रेस लगाई हुई थी। दो सहाफ़ी हजरात बादामी साहब और मंसूर अली खान साहब, जिनका मैं एहतराम करता हूँ, बादिल नाख्वास्त था मुझे उनके ख़िलाफ़ लिटिगेशन में जाना पड़ रहा है, लेकिन ज़रूरी है कि लोगों के जो हकूक़ हैं रिप्यूट के हवाले से, फेम के हवाले से, ये बुनियादी हकूक़ हैं। कैमरे के सामने बैठ के अगर आप एक शख्स का मौकिफ लिए बगैर उसकी जगनसाई करते हैं तो फिर कानूनी कार्रवाई के लिए भी आदमी को तैयार होना चाहिए। अभी आज साइफर केस में इन कैमरा समाप्त होगी और अभी हम हाईकोर्ट जा रहे हैं, इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगा हाईकोर्ट के सामने आपको देंगे। शुक्रिया।